हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय ऑनलाइन क्लासेस। माय नेक्स्ट वीडियोस ऑन प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर, सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर टू होल नंबर। टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? होल नंबर हैव मेनली फोर प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेट्स वी स्टार्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर, CLOSURE प्रॉपर्टी। व्हाट डू मीन क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोज मीन्स, व्हाट डू मीन क्लोज? क्लोज मीन्स बंद, बंद मीन्स अंदर। व्हाट डू मीन अंदर? इट मीन्स, इट मीन्स अगर कोई टू होल नंबर्स हैं, सपोज दैट टू इज ए होल नंबर एंड थ्री इज ऑल्सो होल नंबर, वी एड इज इक्वल टू फाइव। ये होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, बट टू माइनस थ्री, टू इज होल नंबर, थ्री इज होल नंबर, बट इज इक्वल टू माइनस वन, होल नंबर, नॉट होल नंबर, नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर, ओके। बट टू मल्टीप्लाई थ्री, टू मल्टीप्लाई थ्री, टू इज ए होल नंबर, थ्री इज होल नंबर, टू थ्री जा सिक्स इज ऑल्सो होल नंबर, ओके। बट टू डिवाइड थ्री इज ए होल नंबर, इज ए होल नंबर, टू बाई थ्री इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट ए होल नंबर। इट मीन्स अगर हमारे पास दो होल नंबर हैं, उनको हम ऐड करते हैं तो होल नंबर आता है। टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, टू इज ए होल नंबर, थ्री इज ऑल्सो होल नंबर, टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, एंड एक होल नंबर टू, नेक्स्ट होल नंबर थ्री, दोनों को मल्टीप्लाई किया सिक्स आया, सिक्स भी होल नंबर है। बट अगर एक होल नंबर टू है, दूसरा होल नंबर थ्री है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो, डिफरेंस करो, तो क्या आएगा? माइनस वन। माइनस वन इज होल नंबर? नो, होल नंबर इज नेवर नेगेटिव, होल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। एंड टू डिवाइड बाई थ्री, टू इज ए होल नंबर, थ्री इज ऑल्सो होल नंबर, देन थ्री डिवाइड इज ए फ्रैक्शन, नॉट ए होल नंबर। It means closure. What do you mean closure property? It means addition of a two whole number, we get a whole number, and multiplication of a two whole number is a whole number, but subtraction of a two whole number is not need to be a whole number. ऐसा जरूरी नहीं कि whole number नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल भी सकता है। Suppose that मैं कहूँ 4 minus 3 is equal to 1, ये भी whole number, ये भी whole number, ये भी whole number, but 3 minus 4 इज इक्वल टू माइनस वन, ये होल नंबर, ये होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। इट मीन्स होल नंबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोज मीन्स बंद। अगर दो होल नंबर हैं, उनको ऐड करें तो होल नंबर आएगा, दो होल नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो होल नंबर मिलेगा। इट मीन्स, इट मीन्स डिफरेंस पे, डिफरेंस पे डिविजन पे फॉलो होता है? नहीं। इट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ If A and B be two whole number, then A plus B and A into B must be a whole number. Closure property. What do you mean? Closure property. If A and B two whole number, अगर A और B दो whole number हैं, then A plus B and A into B must be a whole number. It means उनका multiplication और addition भी whole number ही होगा, is called closure property. But क्या हम difference और इस पे लागू होता है? No. तो फिर इसमें लिखेंगे closure property. That is sum and that is sum and addition, that is addition and multiplication, that is addition
एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू होल नंबर इज ए होल नंबर इज ए होल नंबर इट मीन्स एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू होल नंबर इज ए होल नंबर दो होल नंबर का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन होल नंबर ही होगा इसी को हम क्या बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ओके इट मींस दो होल नंबर हैं उनको ऐड करें मल्टीप्लाई करें तो होल नंबर ही आएगा ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है बट क्या सब्ट्रैक्शन होता है सब्ट्रैक्शन के लिए होगा फॉलो नहीं होगा That is, closure property are not follow and note यहां डालेंगे note closure property are not follow the subtraction and closure property are not follow the subtraction and division of whole number it means अगर दो whole number है उनको हम करें तो whole number degree सब्ट्रैक्ट करें तो होल नंबर नहीं मिलेगा डिवाइड करेंगे तो भी होल नंबर नहीं मिलेगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए होल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए होल नंबर सपोज दैट 5 एंड 3 टू होल नंबर देन 5 प्लस 3 8 एंड 3 प्लस 5 8 होगा ना बोथ आर इक्वल Yes, 5 into 3, 15, 3 into 5, 15, ये भी होगा But, अगर दो होल नंबर हैं, 5 minus 3 is equal to minus 2, sorry 2, and 3 minus 5 is equal to minus 2, ये दोनों equal नहीं होगा, that is 5 minus 3 are not equal to 3 minus 5 and 5 divided by 3 is not equal to 3 divided by 5 because 5 by 3 and 3 by 5 are not equal. Hence, अगर मेरे पास दो होल नंबर है, if I have a two whole number, 5 and 3, then 5 plus 3, 8, and 3 plus 5, 8, 5 into 3, 15, 3 into 5, 15. It means अगर कोई दो होल नंबर आपके पास है उसके एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर आप चेंज करते हैं ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये फर्स्ट पे है सेकंड पे जाएगा सेकंड पे है फर्स्ट पे आएगा पोजीशन चेंज कर दिया स्थान चेंज कर दिया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी इट मीन्स इफ इफ ए एंड बी बी two whole number then a plus b is equal to b plus a right sahi hai ye follow kar raha hai and a into b is equal to b into a ye bhi true hoga but A minus B is not equal to B minus A. ये commutative rule को follow नहीं करेगा. A divided by B is not equal to B divided by A. It means example. Suppose 3 and 6 be two whole number
नंबर, मेरे पास होल नंबर है, तो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 3, राइट, सही। बट 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 3, ये भी सही होगा। बट मैं बोलू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 3, राइट है, नो, फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है, ये फॉल्स है। 3 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, माइनस 3, यहाँ 3, दोनों इक्वल है, नो। फिर 3 डिवाइड बाय 6 एंड 6 डिवाइड बाय 3, इट मीन्स 3 बाय 6 और 6 बाय 3, इट मीन्स 1 बाय 2 एंड 2, दोनों इक्वल है, नो, गलत, गलत, रॉन्ग। एक मीन्स अगर कोई दो होल नंबर है उसके मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में हम ऑर्डर चेंज कर दें, जो फर्स्ट पोजीशन पे है सेकंड पे कर दें, सेकंड पे है फर्स्ट पे कर दें, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इफ वी हैव ए एंड बी टू होल नंबर, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, और कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ और कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट, इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट होल्ड ऑन द सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, हेंस नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेम इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेम इज एसोसिएटिव। थर्ड, what do you mean associative property? Let A, B and C be a whole number. अगर A, B, C, T कोई whole number हो, then A plus B plus C, B plus C को एक साथ में group भी कर दिया, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को ग्रुपिंग कर दिया, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, are called associative property. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई तीन होल नंबर है, यहाँ ग्रुपिंग चेंज किया, यहाँ ग्रुपिंग कैसे चेंज किया, बी प्लस सी एक साथ में थे इधर लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में मैंने क्या किया, ए प्लस बी को एक साथ में कर दिया, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसे ही बी प्लस सी मल्टीप्लीकेशन में राइट लेफ्ट साइड में थे, तो राइट साइड में क्या कर दिया, ए प्लस बी, वेरीफाई कर दे, लेट मान लिया जाए ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 4, देन a plus b plus c is equal to a plus b plus c, a means 5, a plus b plus c, इसको फॉलो करो, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4, ग्रुपिंग है, मोल पास प्रॉपर्टी, 3 प्लस 4 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, 5 3 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12,
it means left side and right side both are equal, both sides are equal. It means this is a this is a associative property. This is a associative property. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में करते क्या है, अगर कोई तीन रोल नंबर है तो उसमें ग्रुप चेंज करते हैं. ए बी अगर लेफ्ट साइड में है एक साथ, अगर राइट साइड में ए प्लस बी एक साथ में है तो लेफ्ट साइड में बी प्लस सी कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट, यहां पर ए की वैल्यू क्या है, यहां भी एग्जांपल अगर मान लिया जाए ए की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 3 सी की वैल्यू 4 5 3 4. ए बी सी की वैल्यू इधर पुट कर दिए, ए की वैल्यू 5 बी की वैल्यू 4 3 12 15 4 60 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60 बोथ साइड इक्वल. इट मींस इज ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी में नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी में तीन होल नंबर होते हैं, किसी दो होल नंबर को लेफ्ट साइड में एक साथ में लिखेंगे तो दूसरे साइड में दूसरे होल नंबर को दो को एक साथ में कर लेंगे. इट मींस ग्रुपिंग चेंज करते हैं. इसमें क्या चेंज करते हैं, ग्रुपिंग. यहाँ बी प्लस सी के एक साथ में है तो इधर ए प्लस बी एक साथ में है. इट मींस यहाँ ब्रैकेट चेंज कर दिया, ब्रैकेट का ग्रुप चेंज कर दिया. ब्रैकेट जो लगाया पहले ग्रुप यहाँ बी प्लस सी के साथ था, यहाँ ए प्लस बी के साथ हो गया. यहाँ ग्रुपिंग किसके साथ था, बी इंटू सी के साथ, यहाँ ए प्लस बी ए इंटू बी के साथ हो गया. इसको इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी नेम इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मींस दिस प्रॉपर्टी मींस डिस्ट्रीब्यूटिव ब्यूटिव प्रॉपर्टी मींस मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के भी नाम से जानते हैं. ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल है. नेक्स्ट कैसे, लेट मान लिया लेट ए बी एंड सी बी ए होल नंबर देन ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी. देखो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये दोनों एड है, यहां मल्टीप्लाई का साइन लगा है. देन इज इक्वल टू, यहां पर ग्रुप कैसे बनेगा, ए मल्टीप्लाई बी में होगा, ए मल्टीप्लाई बी ए बी से हो गया और फिर ए मल्टीप्लाई सी ए मल्टीप्लाई सी इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. दिस प्रॉपर्टी नेम इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजेस है दिस प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. इफ ए बी एंड सी बी ए होल नंबर, अगर कोई ए बी सी होल नंबर हो देन ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी एंड ए मल्टीप्लाई सी. इट मीन्स ब्रैकेट के बाहर ही मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ कुछ नहीं लगा है तो इसको हम मल्टीप्लाई समझेंगे ए मल्टीप्लाई बी के साथ और ए मल्टीप्लाई सी के साथ और फिर प्लस के साथ हो जाएगा. इसको क्लोज प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल अगर 78 मल्टीप्लाई 99 करना हो या 101 करना हो, बहुत ही टफ है थोड़ा मल्टीप्लीकेशन, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैसे, 78 मल्टीप्लाई 101 को मीन्स 100 प्लस 1 कर दिया, 101 के प्लेस पे 100 प्लस 1. 78 मल्टीप्लाई 100 प्लस 78 मल्टीप्लाई 1. अब 78 मल्टीप्लाई 100 मीन 7800 प्लस 78. इट मीन्स आंसर इज 78 मल्टीप्लाई 78. ओके इज योर आंसर आंसर हो गया आपका. तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेम इज
80/90 if A is a whole number, then A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to A. इट मीन्स ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर में एड करें, वैल्यू चेंज ना हो, तो उस नंबर को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. इट मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम किसी में भी एड करें तो वैल्यू चेंज ना होगा. जीरो 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 हियर जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी. जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी. हेल हियर हियर जीरो इज एडिटिव identity. Zero is additive identity. Additive identity क्या होती है? 5 ले लो, 5 में हम क्या 0 ऐड कर दें तो फिर क्या होगा? 5 10 है, 10 में हम 0 ऐड करें तो भी 10 ही रहेगा. इट मीन्स ऐसा क्वांटिटी, ऐसी वैल्यू जिसको हम ऐड कर दें पर उसकी वैल्यू चेंज ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, नाउ लेट्स वी नो अबाउट ए प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ ए वन. प्रॉपर्टी ऑफ ए वन, कुछ जीरो की प्रॉपर्टी हम जानते हैं. मान लो कोई नंबर आपके पास 5 है, सपोज दैट इफ आई हैव नंबर 5, 5 में 0 ऐड करें तो चेंज होगा? नो, नॉट चेंज. 5 में 0 माइनस करें तो? नॉट चेंज. बट 5 में अगर 0 मल्टीप्लाई कर दें तो 0 चेंज हो गया. बट 5 में अगर 0 से डिवाइड कर दें तो इनफाइनाइट हो गया, तब भी चेंज हो गया. इट मींस ऐसा नंबर जिसको प्लस या माइनस करने पर वैल्यू चेंज नहीं होती है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं. तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी. इट मींस 0 की कुछ प्रॉपर्टीयां हैं, 0 ऐड करने पर वैल्यू चेंज नहीं होता, जीरो सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू चेंज नहीं होता, जीरो मल्टीप्लाई करने पर जीरो हो जाता है, जीरो से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट हो जाता है. सम प्रॉपर्टी ऑफ वन, सपोज दैट इफ नंबर 7 है, 7 में 1 प्लस करो तो 8 क्या हो गया? चेंज हो गया. 7 में 1 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा, चेंज होगा. बट 7 में अगर 1 मल्टीप्लाई किया तो 7 होगा, नॉट चेंज. और 7 में अगर 1 से डिवाइड कर दें तो 7 ही आएगा, नॉट चेंज. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ 1. ओके, थैंक यू. मेरे कमेंट बॉक्स में आपको अगर समझ में आया, अगर नहीं आया तो फिर कमेंट बॉक्स में जैसा होगा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल, जिससे मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे. ओके, बाय.